जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी। अगले दिन सुबह 5:03 तक आज के दिन कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। विशेष प्रकार से कामदा एकादशी व्रत पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी या प्राप्ति के लिए या कथा सुनने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कल के दिन यानी कि 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को मदन द्वादशी का व्रत किया जाएगा। सूर्योदय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:11। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे दोपहर 1:57 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे रात्रि 2:04 पे। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में। यह बसंत ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग शूल योग दोपहर 12:04 तक, उसके बाद गंड योग। करण वनिजकरण शाम 4:51 तक, उसके बाद विष्टिकरण। नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र सुबह 8:35 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। दिशा शूल की बात करें तो आज मंगलवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पश्चिम और वायव्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से गुड़ खाकर बाहर निकले, इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें तो लाभकारी होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का चोला चढ़ाएं, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। यज्ञोपवीत अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, हनुमान चालीसा। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करें, हनुमान स्तोत्रों का पाठ करें तो लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 4:35 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 11:50 से दोपहर 1:25 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से दोपहर 12:15 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया मुहूर्त और 3 अशुभ चौघड़िया मुहूर्त। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 10:15 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:15 से सुबह 11:50 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 1:25 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:35 से रात्रि 9 बजे तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:25 से रात्रि 11:50 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:50 से रात्रि 1:15 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:15 से रात्रि 2:40 तक।
आज रवि योग भी है जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक रवि योग होगा। और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है जो कि सुबह 5:59 से सुबह 8:35 तक। यह विक्रम संवत 2079 रक्षा है और शक संवत 1944 शुभ कृत्य। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।